अब देखिए साहिल भाई, तो आप जानते ही हो कि वीडियो बना रहा हूँ। मुझे मैंने फ़ोन किया अक्षय को, तो वो उसने बोला कि सामान लोड कर रहे हैं, तो मुझे पता चल गया भाई मैंने आज फिर भी लेट हो जाना है। तो मैंने सब काम वाम छोड़ा और नहाया, और नहा के सीधा तैयार होकर फिर निकल आया। 10 मिनट लगे, 10 मिनट में मैं निकल आया जल्दी जल्दी। तो आज का प्रोग्राम पता नहीं, बारिश रात को कोई पता नहीं है भाई, बारिश का होगी तो देख लेंगे, अगर नहीं होगी तो ठीक है। तो गाइस, मैं अपना नाम बता, मेरा नाम सक्षम है। आज मैं दोबारा जा रहा हूँ जागरण। हाँ, दोबारा जा रहा जागरण में, और आज मैं अपने गांव चले जाऊंगा। और गाइस, ये रहता है, इसके पापा आर्मी में, और ये रहते हैं फिरोजपुर। कहाँ रहते हैं? फरीदकोट रहते हैं। तो ये चला जाएगा फरीदकोट, क्योंकि वहीं पे ये पढ़ता है, आर्मी स्कूल है इसका। और आज इसका जो है लास्ट जागरण है, उसके बाद भी ये आएगा, लेकिन मतलब सुबह जाएगा, छुट्टियों में। हाँ, छुट्टियाँ पड़ेंगी। कब पड़ती हैं छुट्टियाँ? कुछ मंथ बाद। कितने टाइम बाद पड़ेंगी छुट्टियाँ? दिसंबर। हाँ, दिसंबर में इसे छुट्टियाँ पड़ेंगी, तब हमारे जागरण होते हैं, तब दिसंबर में आएगा। अभी तो जुलाई चला हुआ है, तो इतने महीनों के बाद आएगा ये। और आज इस देख लीजिए सक्षम को। तो गाइस, इसे देखिए, पता नहीं किस चीज़ की खुशी चढ़ी हुई है। और सियाल का मैं आज एक कान दिखाता हूँ आपको। इसने ये सियाल को मैंने बोला था कल की अपना कान बिंदवा लेना, तो उसी हिसाब से सियाल ने कान बिंदवा ली। कान दिखा अपना दिखा। और मैंने गाइस, मेरी गुम हो गया, मुझे भी चाहिए। और ये लेके यार, मैंने भी जाना है ना। ये देखिए, बस 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 बस, सस्ता काम है, सस्ता है। और कैसा लग रहा है? और ये अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरा बिंदवा लेता तो ठीक रहा नहीं, दूसरा कान भी बिंदवा लेता। दोस्तों कमेंट जरूर करना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। दोस्तों कमेंट जरूर कर देना। सो गाइस, ये रहा हमारा किसू। इसका नाम गाइस किसू है। और किसू के हाल चाल है तेरे? और इसका आज गाइस दूसरा दिन है जागरण का, तो अपना तीसरा दिन है था। और ये अपना एक्सपीरियंस बता, तो कैसा लग रहा है तेरे को पूरी रात काम करके जा करके? मेंटली प्रिपेयर हो गया आज? तैयार है, रेडी है ना काम के लिए? रात को और दिन में क्या क्या होने वाला है? पूरा ये पूरा तैयार है 10 भटूरे खाने के लिए। भटूरा वीर इसको नाम। और इसके लिए इसका नाम गाइस भटूरा वीर रखा हमने, स्पेशली ये भटूरा इसे बहुत पसंद है। चलो गाइस, माता रानी का दरबार लग चुका है, और आप देख सकते हैं सामने दरबार लग चुका है। दरबार हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, और जल्दी पहुँच के हमने रोज की तरह काम निपटा दिया। साउंड का काम भी हो गया। वो देखिए गाइस, सामने दरबार लग रहा है, लग गया है दरबार, बस लाइटिंग वगैरह हो रही है। अभी जागरण स्टार्ट होने वाला है। सारे तैयार हो जाइए, यहाँ पे आ जाइए। साई भाई ब्लॉग्स, उसको अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, अभी सब कुछ सेट हो चुका है। सक्षम जो है वो ब्लॉग बना रहा है हमारा आज, और हमें कुछ बोलने के लिए बोल रहा है। वहाँ पर देख सकते हैं हारमोनियम बजा रहे हैं। हमारे लच्छी भाई, हमारे लच्छी भाई है, संजू भाई। देख लीजिए संजू भाई को, कैसे बजाते हैं पैड। ये पैड कैसे बजाते हैं? हेलो जी, हेलो। आप माता जी को देखिए पहले, अच्छी लग रही है तो कमेंट में यस लगना। ये देखिए, पहले आप इनको देखिए, देखो गाना शुरू होने वाला है, गाना शुरू होने वाला है। देखिए देखिए, ये हमारे संजू भाई, इनको तो हम जानते ही हो या फिर नहीं जानते। इनको देखिए, ये पैड जानते हो? पैड
कोई और भी बजाता था पहले, अभी ये बजाते हैं। ये हमारे राहुल भाई है, और ये हमारे नाम तो पता ही नहीं है। ये हमारे राहुल भाई है, ये शिव जी देखिए इनका, ये शिव जी मंदिर कृष्णा मंदिर, इनका नाम राहुल भाई है। ये इनको तो आप जानते ही हो, निकल है ना, क्या कर रहे हो? अब देखिए साहिल भाई तो आप जानते ही हो, सबको देखिए, आप उनको भी देखिए। अभी थोड़ी मिनट रुक जाओ, अभी इतनी सी वीडियो बनेगी, जब स्टार्ट होगा तब वीडियो बन जाएगी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टेक केयर। शाम के नाल अज मैं नचना है, जो बड़ी देर का जान लाया है बच्चे बैठे, थोड़ा थोड़ा नचना राधा रानी के साथ। नचना श्याम दे नाल, में नचना मोहन तेरे नाल। मैं बोले नचना कहीं ना सुनिया नचना, मैं नचना मोहन तेरे नाल, आज मैं नचना मैं नचना मोहन तेरे नाल, अज मैनू नच लै दे। अभी 5 बज रहे हैं और बारिश कितनी लगी हुई है आप देख सकते हैं, बादल गरज रहे हैं और इस वजह से हमें जो है आरती अंदर करनी पड़ी। मतलब अभी तारा रानी ख़त्म नहीं हुई थी, 4:30 बजे पूरी बारिश पड़ गई और बुरे हाल से पूरा आंगन सभी अस्त व्यस्त हो गया। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा, और इस वजह से हमें अंदर करना पड़ा सब कुछ। और देख सकते हैं अंदर हमने आरती कर दी और संगत बैठी हुई है सभी, और वो जग रही है माता रानी की जोत।
तो गाइस हम लोग यहीं पे सो गए थे, अभी टाइम आ गया है काम ही तो। और ये देखिए मूड हो रहा है जागरण। ओ भाई साहब मुंह देखिए लोगों के मुंह देखिए लोगों के। चली पोना है ता क्या गल्ला बातें हो दिया अभी आ गई। चली बोआ कर ही लिया कुछ पूरा करती। बस बस करो पाजी आन दो हुण, बड़ी जगह आ गई है, बड़ी जगह आ गई है, आन दो हूँ, कोई गल नहीं है डरन वाली पाजी, सीधी आन दो, बड़ी जगह है गई है साढ़े कोल पाजी, आन दो सीधी आन दो, सीधी जान दो, सीधी आन दो, सीधी जान दो, मैं तो डर गई। आन दो चलो जान दो। से गाड़ी निकल रही है बड़ी मुश्किल से, और आप देख ही सकते हैं कितने कंजस्टेड रास्तों से गाड़ी निकालनी पड़ती है भाई को, और यहाँ पे तो फ्यूरी उतराई ही है भाई साहब, बड़ी बड़ा रिस्क होता है गाइज। और देखिए भाई साहब तो मुझे हटना ही पड़ेगा, वो भाई साहब ये है गाइज ड्राइविंग, रियल ड्राइविंग। तो गाइज आप देख सकते हैं धूप भी लगी है, और इतने जागरण में ये पहली बार हुआ इतने जगरातों में कि हमें अब रुकना ही पड़ा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, वो क्या कर सकते थे क्योंकि बीच तार रानी जो भी थे तो बारिश ठीक ठाक गाइस, तरपाल तो लगाया था लेकिन तरपाल गाइस बीच से फट गया और उस वजह से पूरे आंगन में पानी आ गया, उस वजह से अंदर करनी पड़ी माता रानी की आरती। तो हमारे भटूरा बीर जी रात को क्या हुआ था कि इसने गाइस लड्डू खा लिया था, पूरा का पूरा लड्डू इसके गले में फंस गया था, और रो रहा था गाइस, ये बहुत ज़्यादा रो रहा था और आँखों में आंसू आ गए थे, आँखें लाल हो गई थी इसकी, ऐसी बात हुई थी ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही जो आपने देखा गाइज, और बारिश में हमें रुकना पड़ा था उनके घर, क्या कर सकते थे बारिश लगी थी। और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है गाइज, इंस्टाग्राम पे जरूर आए, मुझे फॉलो ना करें, मुझे सिर्फ मेरी वीडियोस लाइक कर दें, मैं आपको फॉलो कर दिया करूँगा। तो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाएं मेरे साथ और बने रहें मेरे इस ब्लॉग चैनल में, साहिल कपूर ब्लॉग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।